वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास शुरू हो गया है। मुल्क की मजमूई सियासी व मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। साबिक दौर में शुरू की गई भंग पॉलिसी भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी CDA बजट भी एजेंडे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों को भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात लेंगे नुमाइंदा खसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, मज़ीद क्या शामिल किया गया एजेंडे में? काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल अमन अमान के मामलों के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ ही साथ साबिक दौर में शुरू की गई जो बंक पॉलिसी थी उस पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा और बंक को जो है वो अद्वियात में इस्तेमाल करने के हवाले से भी जो है वो फैसला मतवक्के है, ताकि इसकी कास्ट करके जो है वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसको उसमें इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी और CDA का बजट भी एजेंडे में शामिल है। कानून साजी से मुतल जो काबीना कमेटी की सिफारशात है उसको भी आज जो है वो बाजाबता तौर पर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ शुरका को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से भी वजीर कानून आजम नजीर तारद मुफसल ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि कल इसके ऊपर इतिहादियों के दरमियान इख्तलाफ सामने आए थे और हुकूमती इतिहादियों और अपोजिशन की जानब से उठाए गए एतराज के जवाब भी दिए जाएंगे और वफाकी काबीना मुशावरत के बाद जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है वो आज उसको दोबारा फिर मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपने अपडेट किया।